आपका स्वागत है। आज हम करने जा रहे हैं JBL CS100 SI ईयरफोन्स की अनबॉक्सिंग, जो कि हमने जो Amazon की सेल थी उसमें 559 में परचेज किया, जिसमें 50 रुपीज कैशबैक था। तो आपको इस थैली में कुछ इस तरह का आएगा, और ये थैली है, इसके अंदर आपको ये ईयरफोन मिलेगा, जिसमें एक और इसकी ऐसी इस तरह से पैकेजिंग है। जैसे कि आप देख सकते हैं, इस पर जो है ब्रांडिंग है JBL हरमन, और पीछे से कुछ इस तरह से है। अब मैं इसकी जो है रैपर इसके ऊपर जो है उसको अनबॉक्स करने जा रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं ये कुछ इस तरह से दिखता है। इसमें आप इसकी जो स्पेसिफिकेशंस है, ये जो कंपेटेबल है आईफोन, एंड्रॉयड और कंप्यूटर या पीसी, लैपटॉप कुछ भी कह सकते हैं आप। ऐसी MRP देख सकते हैं यहाँ पर, मैं फोकस कर देता हूँ 1299, लेकिन हमें जो सेल में है, जो बिग बिलियन डे सेल थी, और या फिर आप दोनों में 559 का था, इसमें हमें को 50 रुपया कैशबैक अलग से मिला है। आप इसमें देख सकते हैं कुछ पेपर वर्क है, जो कोई भी नहीं पढ़ने में इंटरेस्टेड है। इसमें दो ईयरबड्स एक्स्ट्रा है, तो आप अपने इसको कान के साइज के साथ एडजस्ट कर सकते हैं, और एक ईयरबड जो है इनबिल्ट दे रखी है इसमें। आप देख सकते हैं इसमें का जो ईयरफोन्स का जो शेप है वो कुछ इस तरह से, यहाँ पर प्लास्टिक है, इसके आगे जो हमारे ईयरबड्स लगे हुए हैं, और यहाँ पर जो है गोल्ड प्लेटेड 3.5mm जैक है। जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने इसको फोन में लगा लिया, और जो इसका साउंड है मैं आपको थोड़ा सा इसमें सुना देता हूँ, आपको इससे अंदाजा हो जाएगा कि जो इसका साउंड है किस तरह से परफॉर्म करेगा। इसमें मुझे तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आएगी। अगर मैं इसका रिव्यू की बात करूं तो इसमें मुझे जो इसका साउंड है ठीक ठाक लगा। मेरे पास एक सोनी का MDR-AS1000 करके ईयरफोन है, मेरे को उससे बेटर नहीं लगा, उसका ज्यादा बेटर था, लेकिन उसका प्राइस भी फिर थोड़ा हाई है। लेकिन इसका जो बेस है उस कंपेरिजन में और इस प्राइस रेंज के जितने मैंने ईयरफोन यूज किए उसकी तुलना में बहुत अच्छा है। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगी, और जो इसका बेस्ट बाय लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।